हे गाइस, आज मैं आप सब लोग को साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। आई नो ये बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता। सो ये बिगिनर्स के लिए है। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। साड़ी की जो नीचे का पार्ट है, मैं उसे मशीन से स्टिच करूँगी। मशीन से स्टिच करने से क्या होता है कि बहुत जल्दी रेडी हो जाता है फॉल और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मैं बड़ी वाले स्टिचिंग करूँगी, लेकिन ऊपर का पार्ट होता है उस पर आप कभी भी मशीन नहीं चलाइएगा, क्योंकि उस पर मशीन चलाने से साड़ी की सिकुड़न आ जाती है, तो फॉल अच्छे से नहीं लग पाता है, अच्छा नहीं लगता है। और साड़ी में फॉल लगाने से साड़ी का लुक बढ़ जाता। पहले मैं सोचती थी कि मम्मी लोग क्या टाइम वेस्ट करती हैं, बिना फॉल के ही साड़ी पहन लेती तो भी तो सही रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया तो मैं भी पहले पहले फॉल नहीं लगाती थी, ऐसे ही साड़ी पहन लेती थी। तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फॉल लगाने के बाद साड़ी का जो लुक आता है ना, वो साड़ी बिना फॉल के तो बिल्कुल भी नहीं आता है। देखिए, मैं अब ऊपर का स्टिच करूँगी। किसी प्लेन जगह पे रखना जो बराबर हो, ताकि आपको निडल जो है उसमें धसाने में प्रॉब्लम ना हो और साड़ी में बिल्कुल भी सिकुड़ा ना आए, बिल्कुल भी एक बराबर होनी चाहिए। अब अच्छे से उसको फैला के प्लेन जगह पे ऐसे आप स्टिच कर सकते हो अपर पार्ट। ये बहुत जल्दी मशीन से करने से ये होता है कि बहुत जल्दी फॉल लग के रेडी हो जाता है 10 मिनट में। अगर आपको एक घंटे में कहीं जाना है तो आप इस तरह से स्टिच कर सकते हो। हाथ से तो थोड़ा टाइम लग जाता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग भी हैं जो हाथ से ही बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर ये बिगनर्स के लिए है। आई नो ये बहुत सारे लोगों को पता होता है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉल लगाना नहीं आता है और वो बिना फॉल के ही साड़ी पहन लेते हैं, पर वो लुक नहीं आता है जो फॉल लगाने के बाद लुक आता है। ये देखिए, मैं ऐसे बराबर से इसे रख के किसी प्लेन जगह पे, जो चिकनी जगह, अगर आप बेड आउट पे कर रहे हो तो आप साड़ी के नीचे थाल, कोई बड़ी थाली रख लेना, साड़ी को प्लेन कर करके अच्छे से, ताकि साड़ी के और फॉल के बीच में कोई सिकुड़न ना आए, साड़ी पहनने में लुक अच्छा आए। आप इस तरह से करोगे, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। आई नो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है और आप 10 मिनट में इसे रेडी कर लोगे। बिगनर्स अगर आप हो तो 15 से 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको सडनली कहीं जाना हुआ शादी वादी में और आपकी साड़ी में फॉल नहीं लगा है, आप सडनली कहीं बाहर जाके दे भी नहीं पाते हो, तो आप इस तरह से स्टिचिंग मशीन से आप लगा सकते हो। ओके, ये रेडी हो गया है मेरा फॉल लग के। आप देख सकते हो बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आया है, मैंने बहुत बराबर से लगाया है। ये देखो, इस साड़ी की मैं लिंक डाल दूँगी। ये साड़ी मैंने खुद से बनाया है, ये साड़ी नहीं है, ये मैं फैब्रिक लेके अपने लिए साड़ी बनाई हूँ। ये सीक्वेंस रेयॉन की साड़ी है।